सकते हो कि आजकल कोरोना की वजह से हम लोग स्कूल नहीं जा पा रहे और घर में स्टडी कर रहे हैं। काम बहुत है, टाइम कम है, इसलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्या करना है। कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जल्दी से जल्दी। जैसे हमारी इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, और इसमें चैप्टर स्टार्टिंग का फर्स्ट है लेटर टू गॉड। अब मेन है कि हम कैसे पढ़ें और क्या चीज़ करें, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्योंकि बुक्स है ही नहीं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट के पास बुक्स अवेलेबल हो, लेकिन जिनके पास नहीं है वो सबसे पहले NCERT ऐप पे जाके 10th क्लास की इंग्लिश की बुक को डाउनलोड करें, और जैसे ही बुक्स डाउनलोड हो जाए फिर उसको थोड़ा सा स्टडी करने के प्रोसेस क्या है, क्योंकि बुक्स तो हम लोगों के पास शुरू से ही है, सबको पता है, लेकिन पढ़ते कितने हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन अब 10th क्लास है इसलिए बहुत सीरियसली होकर पढ़ना है और उसको कैसे फॉलो करना है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप पूरा कर लिया, हमने बुक डाउनलोड कर ली, अब हमारा पहला चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट का लेटर टू गॉड। अब इसमें हमें उसको हमने ओपन करा तो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसको रीड करना। अब जब हमने चैप्टर रीड करा ऑब्वियसली बात है फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। अब रीड करने में हम उसको क्या करना है, रीड करने में सबसे पहले उसमें जितने भी वर्ड्स मीनिंग हैं उनको एनालिसिस करके रिटर्न करना है कि उनका मीनिंग क्या है, फिर उस मीनिंग को उनके सेंटेंस में फ्रेम करना है ताकि हम अवेयर हो जाएं कि वर्ड मीनिंग क्या है, चैप्टर्स में क्या कहना चाह रहा है। वर्ड मीनिंग के बाद इस पर फोकस करना है। वर्ड मीनिंग के बाद नेक्स्ट है हमारा उसमें जो फ्रेज यूज़ हो रहे हैं उनको हाईलाइट करके अलग करना है और उनका मीनिंग ढूंढना है। नहीं आ रही प्रॉब्लम तो वी विल डिस्कस लेटर। वर्ड मीनिंग हो गए, फ्रेज हो गए, फिर तीसरा है जो उसका थीम है, थीम कह लो चैप्टर की या चैप्टर की शॉर्ट समरी कह लो या उस चैप्टर का एनालिसिस कह लो, वो हमें फाइंड करना है रीडिंग करके। अगर हमने रीडिंग में ये तीनों सेक्शन पूरे कर लिए तो हमारा पहला रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया। क्लियर। सेकेंड स्टेप आता है रीडिंग के बाद राइटिंग। अब राइटिंग में क्या है, राइटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एनालिसिस करना है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर कमिंग इन द चैप्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उनको फाइंड आउट करके उन कैरेक्टर्स के बारे में समरी लिखनी है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर्स क्या कहना चाह रहा है, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, उसका रोल क्या है या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब हमने चैप्टर पढ़ा तो कैरेक्टर भी सामने आएंगे और उन कैरेक्टर को पर्टिकुलर हमें राइटिंग सेक्शन में लिखना है ताकि हम उनको समझ लें। जब हमारा राइटिंग सेक्शन में कैरेक्टर हो जाएगा, सेकंड फेज में आते हैं फॉलो अप क्वेश्चंस आंसर। कुछ क्वेश्चन आंसर पर्टिकुलर रहेंगे चैप्टर में से, उनको हमें क्वेश्चंस लिखना है, डिस्कस करते रहेंगे हम साथ के साथ क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है। कैरेक्टर्स हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गए, और थर्ड आता है राइटिंग में कि जो भी क्वेश्चंस के टाइप, जैसे हमारे क्वेश्चंस के टाइप होते हैं अलग है, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग एंड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को फ्रेम बना के उनको रिटर्न करके उनके प्रैक्टिस करनी है तब हमारा राइटिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। थर्ड सेक्शन में जब हम जाएंगे, रीडिंग हो गया, हमारा राइटिंग हो गया, प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चंस बोर्ड, क्योंकि ये 10th क्लास है, 10th क्लास में आपको सबको पता है कि बोर्ड का पेपर होता है, क्लास या स्कूल का इसमें लिमिटेशन रोल होता है। बोर्ड के पेपर में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर आए हैं उनको फाइंड आउट करके हमें रिटर्न करना है ताकि हम एज इट इज इन क्वेश्चन को समझ सकें और हम अपने बोर्ड की तैयारी करें। एक बार शॉर्ट अप शुरू से समरी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बुक डाउनलोड करी, NCERT से बुक डाउनलोड हो गई, चैप्टर्स निकाल लिया, जैसे चैप्टर है हमारे लेटर टू गॉड, फिर हमने इसकी रीडिंग शुरू करी, रीडिंग में हमने इसके वर्ड मीनिंग फाइंड कर लिए, अलग से एक कॉपी में लिखने हैं सारे वर्ड मीनिंग, फिर उसमें जो फ्रेज यूज होता है फ्रेज को अलग से लिखना है, तीसरा उसकी जो थीम कह लो, शॉर्ट समरी कह लो या एनालिसिस कर लो, वो हमें उसको पढ़ना है थोड़ा सा।
फिर हमें रीडिंग के बाद राइटिंग सेक्शन शुरू होना है। राइटिंग सेक्शन में हमें कैरेक्टर्स निकालने हैं, कैरेक्टर्स को पर्टिकुलर सॉल्व आउट करना है, उनके बारे में लिखना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं, क्वेश्चन आंसर के टाइप हैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यू। और ये क्वेश्चन वो होंगे जो हम खुद बनाएंगे, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे उसके टाइम टू टाइम बीच में पैराग्राफ में से क्वेश्चन निकलते हैं। फिर तीसरा इसमें प्रिपरेशन है जो बोर्ड के पेपर में, प्रीवियस ईयर का बोर्ड का पेपर भी डाउनलोड करना है, उसमें जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं उस चैप्टर के वो निकाल के हमें सॉल्व आउट करने हैं। जब हम ये तीनों प्रोसेस करेंगे तो हमारा एक चैप्टर जो है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद साथ के साथ डिस्कशन करके और साथ के साथ फीडबैक हम करते रहेंगे। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स पुटअप होती है वो आप मुझे फॉरवर्ड करिए, उसका फीडबैक फिर मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम देता रहूँगा। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल।